नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विजन। तो उसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 28। इससे पहले हम 27 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ये सभी प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और बताने हैं अपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं हर प्रैक्टिस सेट में। तो जो बच्चा ये प्रैक्टिस सेट करके एग्जाम में जाएगा, उसका हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास का। इंदौरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इंदौरी पहाड़ी जो है वो इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर में। इंदौर नामक जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? एक तो जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये इंदौर जो गांव है वो हमारा हरियाणा के मेवात में स्थित है। इस इंदौरी पहाड़ी मेवात की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा, पहले एग्जाम में आ चुका है। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध रागनी गायक थे? तो इनमें से एक रागनी गायक हुए हैं हमारे, जो बहुत ही महान रागनी गायक हुए हैं। ए ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, बी है महादेवी वर्मा, सी है पंडित लक्ष्मीचंद और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हमारे रागनी गायक जो हुए हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी हुए हैं, और इनका संबंध सोनीपत के जाटी गाँव से है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही जाने माने हमारे गायक हुए हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे। 2010 एशियन खेलों में फ्लाइट वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो 2010 में जो स्वर्ण पदक जीता था, जो एशियन गेम्स के अंदर, वो जीता था हमारे विकास कृष्णन यादव ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भिवाणी के हैं भाई, इनका संबंध है भिवाणी से। कहाँ से है? भिवाणी से। लेकिन इनका जन्म जब हुआ था, इनका जन्म हुआ था वो हुआ था हिसार में, हिसार के सिंगवा गांव में इनका जन्म हुआ था। लेकिन उसके बाद 1994 में इनका जन्म हुआ था, 94 में ये भिवाणी में आकर रहने लगे और भिवाणी की तरफ से ही खेलते हैं। तो इनका संबंध हो जाएगा भिवाणी से। 2010 में एशियन गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन लेंगे। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है वो बनवाया था नेकचंद जी ने। याद रखना है, नेकेराम जी नहीं थे, नेकचंद जी थे। अब जैसे नेबचंद दे दिया, बाबू चंद दे दिया, नेकचंद दे दिया, नेकेराम दे दिया, सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा नेकचंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हांसी का आसीगढ़ किला, तो आसी जो है उसका प्राचीन नाम है वो आसी है भाई, याद रखना। जो आसीगढ़ का किला था वो कब बना था, और ये पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। तो आप इसमें अगर आपको ये पता भी नहीं है कि कब बना था, तो भी आप इसका आंसर सही कर सकते थे। अगर आपके एग्जाम में ये होता तो कैसे कर सकते थे? आपको पता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में एक युद्ध हुआ था 1191 और 92 में, दो युद्ध हुए थे। 91 में मोहम्मद गोरी हारा था और 92 में पृथ्वीराज चौहान जी हारे थे। तो ये जो शताब्दी थी ये हमारी 1191 का सन है, तो 12वीं शताब्दी होगी, क्योंकि जो सन होता है जैसे कि 1100 कुछ या फिर 1500, जैसे 1556, 1761, तो 1700 अगर कुछ है तो 18वीं शताब्दी है, 1500 कुछ है तो वो 16वीं शताब्दी है। अगर 1100 कुछ में कोई चीज़ हुई है, कोई घटना घटी है 1100 कुछ ईयर में, जैसे 1191, 1192, तो वो किस शताब्दी की बात कर रहा है? 12वीं शताब्दी की। तो ये जो आसीगढ़ का किला बना था पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, तो ये 12वीं शताब्दी में हुए हैं। 1191-92 में इन्होंने दो युद्ध लड़े थे, जिसमें 92 के युद्ध में वे हार गए थे। तो ये 12वीं शताब्दी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आप हरियाणा जीके में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। अहमद बख्श खान की निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है? अहमद बख्श खान जो है हमारे, इनका संबंध है थानेसर से, थानेसर से। और थानेसर हमारा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में, और इन्हें अहमद बख्श खान थानेसरी भी बोलते हैं। तो इनकी जो रचना है वो है थानेसरी रामायण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, शायद आपने पहली बार सुना हो। अगला क्वेश्चन लेंगे।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा आनंद विवाह पंजीकरण नियम 2014 प्रकाशित किया, ताकि इन नियमों के तहत क्यों किया था भाई, ताकि जो सिख हैं वो अपना विवाह पंजीकरण करवाएं, सिखों के लिए भी विवाह पंजीकरण कंपलसरी कर दिया था 2014 में हरियाणा आनंद विवाह पंजीकरण नियम के तहत। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य हमारा है कहाँ पर। तो ये हमारा कैथड़ में स्थित है। कहाँ पर है? कैथड़ में। और इसका जो दूसरा नाम है वो है सोनसर वन। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा जो नाम है वो है सोनसर वन, और ये हमारा कैथड़ में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है, यह किस क्षेत्र में है? तो पंडित रामकृष्ण जो व्यास जो थे वो हमारे हरियाणवी सवांग कला से संबंध रखते थे, यानी कि वो हमारे सांगी हुए हैं, सवांग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, साथ साथ आप भी कमेंट करके बताते रहें कि आपने क्या आंसर किया है, और अपना मिलान करते रहें। किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा? तो गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों और पांडवों के संयुक्त गुरु हुए, तो इन्हें गुरु दक्षिणा में धर्मराज युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को दिया था। गुरुग्राम जो जगह है उस टाइम पर गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में युधिष्ठिर ने दिया था। तो जो गुरुग्राम है इसका नाम गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही पड़ा था, ठीक है। और गुरुग्राम में जो शीतला माता का मंदिर है वो द्रोणाचार्य की पत्नी थी, शीतला माता जो थी वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू का संबंध किस शहर से है? हेमू जो हैं पानीपत के दूसरे युद्ध में मारे गए थे, जो कि 1556 में हुआ था, अकबर के संरक्षक बैरम खान और हेमू के बीच में ज़बरदस्त युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू बहुत बहादुरी से लड़े थे, लेकिन अचानक उनकी आँख में तीर लगने की वजह से उनकी सेना में भगदड़ मच गई और वो घोड़े से गिर गए। बैरम खान ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उनकी हत्या कर दी। तो उनका संबंध था रेवाड़ी से। कहाँ से था? रेवाड़ी से। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, सूर्य कवि के नाम से कौन पुकारा जाता है? इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहते हैं। तो ये पूछे कि हरियाणा का शेक्सपियर कौन है, या ये पूछे कि सूर्य कवि किसे कहा जाता है? तो दोनों एक ही नाम है, पंडित लक्ष्मीचंद जी। और पंडित लक्ष्मीचंद जी मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि इनका संबंध जाटी गांव से है, जो कि सोनीपत में पड़ता है। और पंडित लक्ष्मीचंद जी को सूर्य कवि और हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। और ये इकलौते ऐसे कवि हुए हैं जिनके ऊपर शोध की गई है, और ये एकदम अनपढ़ थे, यानी कि पीएचडी की गई है इनके ऊपर, पीएचडी की गई है और ये एकदम अनपढ़ थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे पंडित लक्ष्मीचंद जी। अगला क्वेश्चन लेंगे, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये हमारा पिंजौर में स्थित है, और पिंजौर जो है हमारा पंचकुला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, जो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है वो हरियाणा के 23 जो पर्यटन स्थल हैं, यूनेस्को की सूची में जो शामिल किए गए हैं 23 पर्यटन स्थल, उनमें से एक है भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, जो कि पिंजौर पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? कर्ण कौन थे? कर्ण कौरवों की तरफ से लड़े थे, और कर्ण जो थे वो दुर्योधन के अच्छे मित्र थे, और ऐसा माना जाता है कि एक पांडव थे, और जो 5 पांडव हुए हैं उनमें सबसे ज्येष्ठ थे कर्ण, जो कि युधिष्ठिर से भी बड़े थे एज में, लेकिन कुंती ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया था, वो सूर्य पुत्र बनकर
दुर्योधन के साथ रहते थे, उनके मित्र थे, उन्हीं की तरफ से युद्ध किया था और उनका संबंध हरियाणा के करनाल से है और करनाल में उनके नाम पर कर्ण झील भी है। ठीक है भाई, अगर कर्ण का किला पूछें तो कर्ण का किला करनाल में नहीं है, कर्ण झील करनाल में है, कर्ण का किला हमारा कुरुक्षेत्र में ही है। अगला क्वेश्चन लेंगे, कोटला झील स्थित है, कोटला झील हमारी कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ ए और बी में से कोई एक, तो आप बताइएगा कि मेवात में है या पलवल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो इसका सही आंसर देगा अगली वीडियो में उसका नाम लूँगा। सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मल गुलिया किस खेल से संबंधित हैं? तो इन तीनों का जो संबंध है, सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मल गुलिया, ये जिम्नास्टिक से संबंधित हैं, हरियाणा के जिम्नास्टिक के प्लेयर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तोसाम पहाड़ी स्थित है, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया था कि तोसाम की जो पहाड़ी है वो भिवाणी में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? भिवाणी में। तोसाम की बारादरी, तोसाम की पहाड़ी भिवाणी में स्थित है, तोसाम की पहाड़ी के ऊपर बाबा मुंगीपा का मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मान्यता है उसकी, मेला भी लगता है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा है जो कि निमन कपड़ों का बना है, जो चांद तारा नामक महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो घाघरा है वो किस कपड़े का बना है भाई? तो ये हमारा बना है खद्दर का, जिसे हम खद्दर भी बोलते हैं और खादर भी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रति व्यक्ति आय में देश के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो प्रति व्यक्ति आय में हम गोवा के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर आता है गोवा, उसके बाद आता है हरियाणा, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। जहाँ लिंग अनुपात में हम लास्ट नंबर पर आते हैं, वहीं प्रति व्यक्ति आय में हम सेकंड पोजीशन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सी तहसील सबसे छोटी है? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ कर करोगे तो आप हो जाएगा। वैसे सभी जिलों के नाम दे रखें, करनाल, अम्बाला, पंचकुला और भिवानी, अगर आपने जिला वाइज जीके पढ़ी, हरियाणा जीके पढ़ी है तो उसमें आराम से पढ़ा होगा कि सभी ज़िले तहसील भी है। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटी जो तहसील है वो है पंचकुला, सबसे छोटा ज़िला भी हमारा पंचकुला है, क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा फरीदाबाद है लेकिन जनसंख्या के हिसाब से हमारा पंचकुला है। अभी नया डाटा आया नहीं है 2021 की जनगणना के अनुसार, उसके बाद शायद दादरी सबसे छोटा ज़िला हो जाए और पंचकुला दूसरा छोटा ज़िला हो जाए, तो ये 2021 की जनगणना के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CIME, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि CIME की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ने अवसंरचना इंडेक्स बनाया, इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया, अवसंरचना इंडेक्स, यह अवसंरचना सुविधाओं के आधार पर था, इसमें हरियाणा की स्थिति क्या थी, यानी कि इस इंडेक्स के अनुसार अवसंरचना के आधार पर हरियाणा कौन से नंबर पर आता है? तो ये चतुर्थ स्थान पर आता है भाई, कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हमारा कुरुक्षेत्र में स्थित है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन लेंगे, खंडवा है, खंडवा हमारा क्या है? खंडवा हमारा पगड़ी का एक प्रकार है, क्या है? एक पगड़ी का प्रकार है और हरियाणा में इसकी बहुत इज्जत की जाती है, खंडवा को हमारी आन बान शान समझा जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस पॉलिसी 2015 घोषित की, इसके प्रस्ताव के अनुसार निम्न कथन सही है, तो 2015 की जो हमारी नई खेल नीति आई है उसके अनुसार कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। तो
अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन है वो देखेंगे। हरियाणा वासियों में शारीरिक क्रियाओं और खेलों के अभ्यास के फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करना, बिल्कुल सही है, नई खेल पॉलिसी में ये भी दे रखा। अगला पॉइंट लेंगे, स्पोर्ट्स की गुणवत्ता को बढ़ावा और पोषण कार्य तथा हरियाणा में खेलों की क्षमता को बढ़ाना, ये भी दे रखा है, ये भी सही है। ऐसा माहौल विकसित करना जहाँ फिटनेस व खेलने को अपने अधिकार के रूप में समझे, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा भाई। तो याद रखना कि नई खेल नीति, नई औद्योगिक नीति, एक बार इनको ज़रूर पढ़ कर जाएँ एग्जाम से पहले। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेंगे। मनोज कुमार जिन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, कहाँ से हैं? तो 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले मनोज कुमार जो हैं वो कैथल के हैं भाई। कहाँ के हैं? कैथल के हैं, हमारे बहुत ही शानदार बॉक्सर हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। पिछली क्लास में जिन जिन्होंने सही आंसर किए थे क्वेश्चंस के और अपने मार्क्स कमेंट किए थे उनका नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ। पूजा धारीवाल जी, रवि यादव जी, रवि कुमार जी। और आज की वीडियो में जो कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में लूँगा। पीटीआई का एग्ज़ाम हो चुका है तो कैंडिडेट बहुत कम थे, 9000 प्लस कैंडिडेट थे, इसलिए उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया। इनके एचएसएससी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो कभी भी एग्ज़ाम ले सकती है, 15 दिन का टाइम देकर आपसे एग्ज़ाम ले सकती है। तो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिएगा, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अभी जो संभावना है वो ये है कि अक्टूबर से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, नवंबर में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए तैयारी ज़रूर करते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद संतोष को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आपका दिन।